नमस्कार जेजी न्यूज में मैं आपका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ आपके साथ निशा खन्ना। कोरोना है तेजी से रफ्तार कर रहा है, ठीक उसी तरह आज सिरसा की मैं बात करूँ। सिरसा के अंदर 47 नए मामले हैं कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं मैं बात करूँ 2020 में जिस तरह से कोरोना जो लगातार बढ़ रहा था और उस समय लॉकडाउन लगा दिया गया था, लेकिन कुछ हिदायतों के बाद स्थिति में सुधार हुआ। अब 2021 में है कोरोना के स्टार्टिंग में जो मामले हैं कम आने शुरुआत हुए। वहीं अब जिस तरह से धीरे धीरे स्कूल कॉलेज खुलने लगे हैं, धार्मिक संस्थान खुलने लगे हैं, विवाह शादी के जो कार्यक्रम थे वो जारी होने लगे हैं, ठीक उसी तरह अब कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ने लगे हैं, ठीक उसी तरह अब हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि जितना हो सके आप कोरोना महामारी से बचकर रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग में रहिए, मास्क पहनकर अपने घर से बाहर निकलिए और ठीक उसी तरह अपने घर पर रहकर और जितना हो सके गर्म पानी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि कोरोना है अचानक अटैक करता है और कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन भी आ गई है, वैक्सीन लगाई भी जा रही है, परंतु फिर भी कोरोना है जो तेज़ी से रफ्तार कर रहा है और लगातार हर जगहों पर जिस तरह से हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि कोरोना लगातार बढ़ोतरी कर रहा है, ठीक उसी तरह सिरसा के अंदर भी 47 नए केस पाए गए हैं। ठीक उसी तरह बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, जिस तरह से अब नए सेशन के अनुसार स्कूल कॉलेज खुलने शुरुआत हो गए हैं, बच्चों का जमावड़ा है, लगातार स्कूलों के अंदर भी चेकअप करवाए जा रहे हैं, फिर कोरोना के केस पाए जा रहे हैं। धार्मिक संस्थानों की बात करूँ, धार्मिक स्थानों पर अब भीड़ एकत्रित होने लगी है, तो धार्मिक स्थानों पर भीड़ एकत्रित होने के कारण है कोरोना जो बढ़ोतरी कर रहा है। और वहीं मैं बात करूँ विवाह समारोह के अंदर भी लोगों की अधिक भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके लिए जेजी न्यूज आपसे एक बार फिर अपील करता है कि जितना हो सके आप अपने घर से कम बाहर निकलिए, मास्क का प्रयोग करिए और जहां भी जाए सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगी नई अपडेट के साथ।